हैलो एवरी वन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टर्स के बारे में इम्पोर्टेंट ऑफ गुड पोस्टर कॉमन पोस्टरल डिफेक्ट्स एंड रिमीडियल एक्सरसाइजेस यानी कि गुड पोस्चर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कुछ कॉमन जो पो, पोस्टर से रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं एंड रिमीडियल एक्सरसाइज यानी उनको ठीक करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर देखिए एक अच्छा पोस्टर मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि इस पे आपकी ओवरऑल हेल्थ डिपेंडेंट होती है सो मेंटेनिंग गुड पोस्टर इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वेल इट रेफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी वाइल सिटिंग स्टैंडिंग और लाइंग डाउन यानी कि आपकी बॉडी किस तरह से अलाइंड है जैसे कई बार आप बैठे होते हो ठीक है तो बहुत ज्यादा कमर एकदम झुका के और एकदम आगे की तरफ वो तरीका बहुत गलत है स्टैंडिंग के भी पोस्टर्स होते हैं कई बार आपको बोलते नहीं है कि ढंग से अगर आप नहीं बैठोगे या खड़े होगे तो बॉडी में पेन हो जाएगा या बैक पेन हो जाएगा क्यों बिकॉज गुड पोस्टर्स आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपकी बॉडी में जो सर्टेन एरियाज होते हैं वहां पे उनका ध्यान रखता है ठीक है सो आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये गुड पोस्चर क्यों जरूरी है वाई इट इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले है स्पाइनल हेल्थ जो प्रॉपर पोस्चर होता है ना वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी का नेचुरल कर्व ठीक है प्रॉपर पोस्चर हेल्प मेंटेन द नेचुरल कर्व ऑफ द स्पाइन हमारी बॉडी का जो नेचुरल कर्व है वो हमारे पोस्चर से मेंटेन रहता है अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे हमारे पोस्चर का तो उसकी वजह से बैक पेन जैसी प्रॉब्लम या कई बार स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है उसके अलावा मस्क्यूलर हेल्थ अगर अच्छा पोस्चर हम लोग रखते हैं ढंग से जैसे रखना चाहिए बॉडी का पोस्चर तो उससे हमारी जो मसल्स uh, है ना वो बिल्कुल बैलेंस तरह से यूज़ होती है मतलब जिस तरह से ढंग से यूज़ करना चाहिए वो होता है एंड कोई भी इम्बेलेंस नहीं होता जिसकी वजह से पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है जैसे कई बार आपने यू नो एक्सपीरियंस किया मैंने बहुत बार किया लाइक like, मैं पिलो लगा के अगर सो रही हूँ और कई बार होता है ना कि रात को पता नहीं चलता गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई मतलब आपकी नेक का एरिया कोई पर्टिकुलरली यू नो ज़्यादा बहुत आपने कर्व कर दिया उसको तो सुबह वो उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर बैक में कई बार दर्द हो जाता है बिकॉज रात भर वो जो पोस्चर था वो खराब था वो गलत था तो ये जो चीज़ है ना ये हमारी ओवरऑल जो बॉडी होती है उस पर इम्पैक्ट डालती है एंड करेक्ट पोस्चर की हेल्प से ना हमारे जो लंग्स हैं और जो डाइफ्राग्राम है ये बेसिकली लंग्स के नीचे मस्कुलर शीट होती है डाइफ्राग्राम वो क्या करता है वो ढंग से फंक्शन करता है एंड इसकी वजह से ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर पोस्चर सही नहीं होगा तो ये चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ठीक है उसके अलावा डाइजेशन Uh, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्लाउचिंग करते हैं बहुत ज्यादा झुक के बैठते हैं या बहुत ज़्यादा पुअर पोस्चर होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं ना हल्के से कंप्रेस होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि दब के दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकते बट उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कंप्रेस होते हैं तो उससे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव इशूज़ भी आ जाते हैं जैसे कहते हैं ना योगा करने से ये डाइजेस्टिव इशूज वगैरह ठीक हो जाते हैं क्यों क्योंकि जब आप योगा करते हो आप हर एक चीज़ को ढंग से सिस्टमैटिक वे में यू नो uh, you know, करते हो एंड प्लस आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको मौका मिलता है ब्रीथ करने का लाइक ब्रीथ एज ए नॉट एक्चुअल ब्रीथ बट दे आर लाइक जैसे होना चाहिए उस तरह से वो हो पाते हैं रिलैक्स हो पाते हैं एंड ड्यू टू दैट जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं बैक पेन जैसी डाइजेस्टिव इशू हर्ट बर्न ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है ठीक है अच्छा पोस्चर जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो आपका ना बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट डालता है जैसे नॉर्मली एक बात बताती हूँ आप किसी से मिले आपको ना लोगों के फर्स्ट मीटिंग में ही उनके ना पोस्चर से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है जैसे कुछ लोगों का पोस्चर बहुत अच्छा होता है एंड द अप्रोच जिस तरह से वो यू नो हैंड शेक करते हैं या फिर बात करते हैं उसमें वो कॉन्फिडेंस झलकता है और कुछ लोग ऐसा होता है कि आप बात करोगे ऐसा लगेगा इस पर्सन के अंदर मतलब यू नो कॉन्फिडेंस नहीं है या वो पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है गुड तो पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस शो करता है पॉजिटिव बॉडी शो करता है एंड इससे हमारी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है एंड सोशल इंट्रेक्शन भी अच्छे होते हैं क्योंकि लोगों से हम अच्छे से बात कर पाते हैं ठीक है फिर है एनर्जी लेवल देखिए अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट रखेंगे ठीक है तो उससे आपका जो एक्स्ट्री एक्स्ट्रा एनर्जी जो वेस्ट हो रही है गलत पोस्चर बनने में वो सेव्ड रहेगी एंड फाइनली आपको थकान नहीं होगी मतलब ये बहुत छोटे लेवल पे होता है ऐसा नहीं कि बहुत थक गए गलत पोस्चर से बट सम हाउ क्योंकि आप अगर आपके पोस्चर गलत होगा तो बॉडी में भी पेन होगा ओवरऑल फर्क पड़ेगा तो इससे बेटर है कि एनर्जी लेवल को मेनटेन रखने की कोशिश की जाए बाय यू नो प्रैक्टिसिंग द राइट पोस्चर देन इंजरी प्रिवेंशन एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि अगर अच्छा पोस्चर होगा तो कोई भी इंजरी नहीं होगी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा जॉइंट या मसल्स पर वो बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट पता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम करते हैं उनको भी बोला जाता है कि सही पोस्चर में वो एक्सरसाइज या जिम करना चाहिए क्यों बिकॉज अगर आप सही पोस्चर में एक्सरसाइज या जिम नहीं करोगे तो उसका फायदा तो होगा नहीं नुकसान और हो जाएगा क्योंकि वो गलत जगहों पर असर करेगा सपोज बैक को आपने गलत तरीके से पोस्चर रख के कोई एक्सरसाइज करी तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ठीक है कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड हेड पोस्चर द हेड जट्स जट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द शोल्डर देखो ये जितने भी डिफेक्ट्स uh, है ना ये आप सब ना नेट पे भी देख सकते हैं आपको फोटो से समझ में आएगा बिकॉज मैं आपको अगर अभी बताऊंगी कि हेड पोस्टर किस तरह की बात कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में टाइम लगेगा बट अगर क्या होता है ना हमारा हेड आगे की तरफ हम पूरा झुका लेते हैं शोल्डर से और उसके बाद ये क्यों करते हैं फ़ोन में लगे रहने की वजह से या फिर कंप्यूटर में बहुत देर टाइम लगाने की वजह से फिर है राउंडेड शोल्डर्स जो शोल्डर्स होते हैं वो कई बार आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब झुके हुए होते हैं जिससे से जिसकी वजह से हमारा जो अपर बैक है वो राउंडेड हो जाती है वो भी आप गूगल पर सर्च करोगे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा देन काइफोसिस दैट इज एन एक्जरेटेड राउंडिंग ऑफ द अपर बैक ऑफ इन कॉज बाय पुअर सिटिंग एंड स्टैंडिंग हैबिट ये पता नहीं चलता है ये डेली 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 करने से ना लॉन्ग टर्म में दिखना शुरू हो जाता है ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में पता चल जाएगा या फिर आज आप देखोगे तो आप कहोगे अरे मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है द इज ये धीरे धीरे बिल्डअप होती है एंड ये बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि ये फिर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है और कई बार ठीक भी नहीं होती है ठीक है फिर है लॉर्डोसिस एन एक्सेसिव इनवर्ट द लोअर बैक विच कैन रिजल्ट फ्रॉम वीक कोर मसल्स और प्रेगनेंसी तो ये सब इसलिए उस टाइम पे एक्सरसाइजेस बोलते हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है बैक से रिलेटेड या ओवरऑल वो ना हो स्कोलियोसिस अ साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विच में बी प्रेजेंट एट बर्थ और डेवलप ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स इन एडुलिस सॉरी तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं मैं फिर से आपको कहूंगी बिकॉज मैं ऐसे समझाऊंगी तो थोड़ा सा समझाना मुश्किल है आप प्लीज़ इसकी फोटो देखिए साइड बाई साइड ये वीडियो चलाइए एंड फोन पे या फिर जहां पे भी आप लैपटॉप पे देख रहे हैं आप इनकी फोटो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है बट फोटो देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है अब रिमीडियन एक्सरसाइजेस क्या हो सकती है पोस्टरल इंप्रूवमेंट के लिए चिन टक्स जेंटली टक योर चिन इन इन टूवर्ड्स योर नेक कीपिंग द हेड अलाइन विद द स्पाइन होल्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड रिपीट यानी अपनी चिन को ना जो आपकी चिन होती है जिसको हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं शायद हाँ उसको आप नेक की तरफ लेके जाइए ठीक है टूवर्ड्स योर नेक उसके बाद आपको क्या करना है ना आप उसको जब ऐसे लेके जाओगे तो आपकी नेक जो है ना वो बिल्कुल uh, मतलब हेड जो है वो बिल्कुल स्पाइन के साथ अलाइंड होगा तो आपको इसको कुछ सेकेंड के लिए यू हैव टू होल्ड दिस पोजिशन एंड देन आपको रिपीट करना है तो ये काफी हेल्दी यू नो पोस्चर इंप्रूवमेंट रेमेडी मानी जाती है शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस सेट और स्टैंड टॉल एंड स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर यानी एकदम ऐसे खड़े हो जाइए या फिर बैठ के अपने शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं उनको साथ में लाइए इस पोजीशन को कुछ देर आपको होल्ड करके रखना है एंड देन यू कैन रिलीज कैट काउ स्ट्रेच perform this yoga stretch to improve flexibility and alignment of the spine arch your back while inhaling cow pose and round your back while exhaling इसको भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पे करिएगा कॉपीराइट इश्यूज के चक्कर में मैंने फोटो शेयर नहीं करी अदरवाइज मैं इसी वीडियो में शेयर कर देती बट आप इसको गूगल पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रिज पोज lies on your back with your feet flat on the ground and lift your ribs towards the ceiling ये बहुत कॉमन है काइंड ऑफ यू कैन से कि चक्रासन का हाफ पार्ट ठीक है ये वो होता है को कैट का स्ट्रेच एंड ब्रिज पोज जो है ब्रिज पोज में यू हैव टू लाई ऑन योर बैक यानी अपनी बैक के सहारे लेटना है एंड उसके बाद यू नो फीट को एकदम ग्राउंड uh, पे अलाइन uh, करना है एंड फिर हिप्स को थोड़ा सा लिफ्ट करना है सीलिंग की तरफ अच्छा अगेन फिर से बोलूंगी ये सबके लिए आप एक बार फोटोज देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा प्लैंक पोजिशन तो आपको पता ही होगा इट्स अ पुशअप पोजिशन होती है ये जिसमें बॉडी को एकदम स्ट्रेट लाइन में रखना होता है एंड इससे हमारे कोर एंड जो बिल्कुल यू नो ऐप्स होते हैं ये सब पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं कोबरा पोज लाई ऑन योर स्टोमक स्टमक एंड प्लेस योर हैंड्स बिसाइड योर शोल्डर एंड लिफ्ट योर चेस्ट ऑफ द ग्राउंड आर्चिंग योर बैक जेंटली एंड देन वॉल एंगल्स सॉरी एंजल्स स्टैंड विद योर बैक अगेंस्ट अ वाल आर्म एट नाइन्टी डिग्री एंगल्स एंड पार्म फेसिंग फॉरवर्ड ये सब जो आपको ये रेमिडीज है ना ये एक बार प्लीज़ फोटो देख के आप समझिएगा तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा क्योंकि अभी मैं अगर आपको बताऊंगी भी कि आपको सपोज स्टैंड करना है बैक आपकी वॉल पर होनी चाहिए आर्म्स नाइन्टी डिग्री एंगल्स पे होनी चाहिए एंड पार्म आपकी एकदम फॉरवर्ड आगे की तरफ देख रही हूँ उसके बाद स्लोली आपको अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ पिक करना है एंड डाउन द वॉल वाइल मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद योर बैक ठीक है सो दीज आर द वॉल एंगल्स ये सब चीज़ें आप लोग uh, नेट पे एक बार सर्च कर लेंगे तो यू विल गेट द बेटर आइडिया बट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि गुड पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं एंड रिमीडियल एक्सरसाइजेस क्या हैं ये दोनों चीज़ों के लिए यू विल हैव टू रेफर टू इंटरनेट बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है कुछ भी फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्ले लिस्ट देखिएगा बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है जो आपको कंटेंट आप ढूंढ रहे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा एंड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज बाई मी अ बुक वहाँ पर आप डोनेट भी कर सकते हैं इट इज कम्प्लीटली अप टू यू थैंक यू सो मच हैवे अ नाइस डे एल सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीक